नमस्कार दोस्तों, ममता की रसोई में आपका स्वागत है। मैं ममता दुबे आज बनाने जा रही हूँ गट्टे का नमकीन। और ये गट्टे का नमकीन बहुत ही स्वादिष्ट लगता है चाय के साथ। आप इस नमकीन की रेसिपी को जरूर ट्राई करें और वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हम जब भी कोई नई रेसिपी लेके आए आप सबसे पहले उसे देख पाएं। एक ही नमकीन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बेसन लिया है। मैंने 2 कप बेसन लिया है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से बेसन ज़्यादा और कम कर सकते हैं। और अब मैं डाल दूंगी इसमें कुटी हुई काली मिर्च और 5 से 6 लौंग। इसको मैंने दरदरा दोनों चीज़ों को कूट लिया था। उसके बाद मैं डाल दूंगी जीरा और इसके बाद मैं डाल दूंगी अजवाइन। हाथों पे थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी हल्दी डाल देती हूँ। और हल्दी डालने के बाद मैं बारीक कटी हुई 3 हरी मिर्च डाल देती हूँ। थोड़ा सा मैं लाल मिर्च डालूंगी क्योंकि मैंने इसमें काली मिर्च, हरी मिर्च और लाल मिर्च तीनों तरह की मिर्चें डाली हैं, इसलिए मैंने लाल मिर्च बहुत कम कर दी है। आप अगर तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है नमक स्वादानुसार। और अब हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आप इसके जगह पे कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। और अब हम डाल देंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ज़्यादा नहीं डालना है, बहुत थोड़ा सा डालना है, आधे चम्मच से भी कम मैंने डाला है। इसके बाद मैंने डाल दिया है 4 चम्मच ऑयल। और इन सारी चीज़ों को हम हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए जो हमारा बेसन है उसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, हाथों से सारी चीज़ों को अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया। और इसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बेसन का एक डो बना लूँगी। बहुत ज़्यादा सख्त डो नहीं बनाना है या फिर बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं बनाना है। और यहाँ पे डो हमारा हाथों पे चपक रहा है तो हम यहाँ पे ले लेंगे थोड़ा सा तेल। यहाँ पे हम 1 चम्मच तेल ले लेते हैं और उसे अच्छे से मिक्स करते हैं। और बड़ी आसानी से डो बन के तैयार हो गया। ये देखिए यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा नरम डो नहीं बनाया है, नहीं तो बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं बनाया है। इसके बाद हम उसमें से थोड़ी सी एक लोई सी लेते हैं और यहाँ पे लगा लेते हैं थोड़ा सा ऑयल। और अब हम इसमें इसको रख के रोल कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से रोल करेंगे जैसे हम गट्टे बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो यहाँ पे हमने रोल कर दिया। अब दूसरी बार भी हम एक लोई लेंगे और उसी तरीके से रोल करेंगे। आपको दोबारा से दिखा देते हैं, इस तरीके से रोल कर लेंगे। ये देखिए अब एक साइड में इसे रखते हैं और इसे कट कर लेते हैं। ये देखिए मैंने इसे 1-1 इंच के अंतर पे काटा है। आप चाहे तो 1/2 इंच के अंतर पे भी काट सकते हैं। आप जितने बड़े गट्टे नमकीन बनाना चाहते हैं उस तरीके से काट सकते हैं, लेकिन छोटा छोटा गट्टा नमकीन ज़्यादा अच्छा लगेगा और इसे पकाने में भी आसानी होगी। ये देखिए इस तरीके से काट लिया है मैंने। और ये देखिए अगर डो ज़्यादा गीला रहेगा तो ये नमकीन इस तरह से शेप में नहीं कटेगी। ये देखिए एक बार फिर आपको दिखा देते हैं, इस तरीके से काट लेंगे। और बिल्कुल सेम प्रोसेस से हम सारे गट्टे नमकीन ऐसे ही कट करके तैयार कर लेंगे। ये देखिए। और यहाँ पे देखिए सारे गट्टे नमकीन मैंने इसी तरह से कट करके तैयार कर लिए हैं। और अब हमने रख दिया है ऑयल गैस पे और गैस की फ्लेम को ऑन कर लिया है और तेल हमारा गर्म हो चुका है। तो मैं इसमें छोटा सा एक डाल के दिख लेती हूँ। और तेल बिल्कुल परफेक्ट गर्म है तो मैं इसे निकाल देती हूँ। और हमें गट्टे नमकीन तलने के लिए मीडियम गर्म तेल ही चाहिए। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं इसे, जितना इसमें आ जाएगा उतना डाल देंगे। और इस तरीके से चलाते हुए हम इसे फ्राई कर लेंगे। ये देखिए पहले मीडियम गर्म तेल पे हम इसे पकाएंगे और बाद में हम थोड़ा सा गैस की फ्लेम को हाई कर लेंगे ताकि इसका अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। ये देखिए गोल्डन कलर कितना अच्छा आ रहा है। और बिल्कुल ये पक के तैयार है, यानी हो चुकी है फ्राई। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा टर्न कर लेंगे
और जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा। ये देखिए, थोड़ा सा टर्न किया और प्लेट में निकाल लिया। अब देख पा रहे होंगे कि कितनी अच्छी गट्टा नमकीन बन के तैयार हुई है। और बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगा, दोबारा भी हम डालेंगे। तो यहाँ पे हमने दोबारा से डाल दिया है। और फिर इसे हिला लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। और अब देखिए पक चुकी है। एक बार के गट्टा नमकीन को फ्राई होने में 6 से 7 मिनट का टाइम लगता है। और इसे हम निकाल लेंगे। 5 मिनट हमने मीडियम फ्लेम पे इसे पकाया है ताकि अच्छा से क्रिस्पी हो जाए। और उसके बाद 1 से 2 मिनट मैंने फ्लेम को तेज कर दिया था। और यहाँ पे देखिए गट्टा नमकीन बनके तैयार है। तो मैं इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाल देती हूँ ऊपर से और इसे मिक्स कर देती हूँ। आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। और इसे मिक्स कर दिया। और यहाँ पे देखिए मैं दिखा देती हूँ कि ये कितनी खस्ता बनी है। आप सुन पा रहे होंगे आवाज इसकी। पे देखिए गट्टे नमकीन बनके तैयार है और मैंने यहाँ पे इसे सर्व कर लिया है। एक नमकीन मैं नजदीक से दिखा देती हूँ। ये देखिए, आप इसे पूरी तरह से ठंडा होने के बाद एक एयरटाइट डब्बे में भर के रख दीजिए और 2 महीने तक आराम से खाइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।